अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, अगर हम पानी को वेस्ट करना कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे तो क्या होगा। देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाएगी। देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कुदरत की तरफ से हमें जो तोहफ़ मिले उनमें से कुछ के नाम लिखने हैं हमने यहाँ पे। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो जी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर वीक फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डू और हैव की वीक फॉर्म्स के बारे में। अब वीक फॉर्म्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो वो मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं, सिलेबल होते हैं, ठीक है, एक वर्ड के। तो जब हम उसमें से वर्ड के किसी भी जुज़ पर जब हम स्ट्रेस नहीं देते, ज़ोर नहीं देते, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, उसे जल्दी से पढ़ते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसकी वीक फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हैव हम पढ़ रहे हैं, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन, ठीक है, हैव पर हमने यहाँ पर जोर दिया है, आई हैव, ठीक है, हैव को हमने पूरा पढ़ा है, आई हैव, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और इस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, ज़्यादा जोर नहीं देंगे, इसे जल्दी से पढ़ेंगे, तो ये वीक फॉर्म्स कहलाती हैं। यहाँ पर आई हैव नहीं हम पढ़ेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट फोन, आई इन द सेकेंड सेंटेंस इज वीक, ठीक है। अब यहाँ पर आई हैव जो है ये वीक फॉर्म है इसकी, यहाँ पर हमने इस पर जोर नहीं दिया, इसे जल्दी से पढ़ा है, ठीक है, आई हैव नहीं हमने कहा, आई। यहाँ पर आपने एक टॉपिक लिखना है कि इफ़ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड, कि अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़, कोई चीज़ तब्दील कर सकते हो तो वो क्या होगी, व्हाट इट बी, तो वो क्या होगी, ठीक है, मतलब अगर आपको चांस मिले कोई चीज़ चेंज करने का तो आप कौन सी चीज़ चेंज करना चाहोगे, तो वो कौन सी होगी। साइट वर्ड्स हैं, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, अब ये वर्ड आपने पढ़ने सीखने, उनके स्पेलिंग याद करने हैं। वॉर्म, क्लीन, ग्रो, लाइट, वॉर्म, क्लीन, ग्रो, लाइट। ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी को ज़ाया करने से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। राइट टू पॉइंट्स टू फॉलो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, इसके टू पॉइंट्स हमने लिखने हैं। इसके आंसर आप लेसन में से लिखोगे। आप इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए आपने यहाँ से दो पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, और यहाँ पर है पानी को वेस्ट करने से हम कैसे बच सकते हैं, यहाँ से आप दो पॉइंट लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं, सिलेबल हैं, उनके मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं कितने सिलेबल्स पर वो मुश्तमिल हैं ये वर्ड्स, और इनके मीनिंग्स अगर दिए गए हैं इंग्लिश में ही, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिए हैं। कंजर्व होता है महफूज करना, कंजर्व सेव बचाना, रिसोर्सेज वसाइल रिसोर्सेज, ठीक है, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री, मुल्क में जो भी मुश्तरका दौलत होती है जिसपे सबका हक होता है, ठीक है। अबंडेंस कसरत से अबंडेंस, प्लेंटीफुल वेल्थ बहुत ज़्यादा दौलत, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट माहौल इन्वायरमेंट, न्यूमरस बेशुमार, न्यूमरस बेशुमार, एफर्ट कोशिश, एफर्ट अटेम्प्ट कोशिश, प्लूट आलूदा, प्लूट टू मेक अनक्लीन, ठीक है, ये इस तरह से हम इनके सिलेबल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर, अब आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है जो लेटर मिस हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। गिफ्ट्स, प्लांट्स, अर्थ, एनिमल्स, किचन, स्विच, इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, जिन वर्ड्स के स्पेलिंग ठीक हैं उनको हमने सर्कल कर देना है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया है। ट्रू, पीपल, रिवर्स, शावर, यहाँ पर अब है पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं मलकियती
प्रोनाउन को, पोसेसिव प्रोनाउन, मलकियती प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं देते, उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर बात हो रही है पोसेसिव प्रोनाउन की, मलकियती प्रोनाउन की। जो वर्ड, जो प्रोनाउन ये चीज़ शो करें कि कौन सी चीज़ जो है वो किसकी है, मतलब मैं उसका मालिक हूँ या कोई और, मलकियत को शो करते हैं जो वर्ड्स, मलकियत बताते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किसकी है, तो उसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर जैसे देखें, दिस कैप इज़ माइन, ये टोपी मेरी है। अब माइन जो है, इस प्रोनाउन ने शो किया है कि ये टोपी मेरी है। दिस कैप इज़ माइन, दैट कैप इज़ योर्स, वो टोपी तुम्हारी है। दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, ये बैग जो है हिना से ताल्लुक़ रखता है या हिना का है। इट इज़ हर्स, ये उसका है। दिस इज़ अलीज बुक, ये अली की किताब है। इट इज़ हिज, ये उसकी है। ठीक है, गर्ल्स के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं और लड़के के लिए हिज का। अब यहाँ पर हमने पोसेसिव प्रोनाउन, जो सूटेबल पोसेसिव प्रोनाउन है, उनके साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस, अब मैं, मेरे वालदैन और मैं इस घर में रहते हैं, तो फिर ये घर हमारा हुआ। द हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है। दिस द हाउस इज़ आवर्स, घर हमारा है। द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, जैकेट बीना की है। इट इज़ हर्ज, ये उसकी है। बीना की बात हो रही है तो यहाँ पर हर्ज आएगा। आई बॉट अ न्यू बाइक, मैंने एक नई बाइक ख़रीदी। इट इज़ माइन, ये मेरी है। द बैग बिलोंग्स टू आमिर, बैग आमिर का है। द बैग इज़ हिज, बैग उसका है। अभी देखो आमिर है तो हिज आया, बीना की बात हो रही है तो हर्ज, ठीक है। अब आई है तो माइन, मेरी बात हो रही है तो क्या हुआ, क्या आएगा, माइन, आई के साथ माइन, ठीक है। ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और वी के साथ आवर्स, दे के साथ देयर्स, ऐसे। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट लेसन से ये जो पैराग्राफ लिया गया है, यहाँ से हमने प्रोनाउन जो है उसको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। प्रोनाउन का आपको पता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये इजहार, हिम, ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन ही हैं। जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आरिफ प्लेड अ क्रिकेट मैच टूडे, आरिफ ने आज क्रिकेट मैच खेला। ही इंजॉयड इट, उसने इससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ, मज़ा किया। अब ये देखो, अब हमने पहले तो आरिफ का नाम लिखा है, उसके बाद हमने आरिफ का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन है उसको हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ पर इट है, वी है और इट है, बस इतने ही प्रोनाउन है यहाँ पे। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब यहाँ पर है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वर्ब कहते हैं फेल को, किसी भी काम को, ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट शोज एक्शन और कंडीशन, जो किसी भी एक्शन, मतलब किसी भी अमर और कंडीशन या हालत, जो किसी भी अमर या हालत को जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा अमल कर रही है, क्या काम कर रही है और किस हालत में है, ठीक है, किस हालत में। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन और कंडीशन, जो किसी भी अमल और हालत को जो लफ्ज़ शो करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही अहम लफ्ज़ होता है। नो सेंटेंस कैन बी कम्प्लीटेड विदाउट इट, कोई भी सेंटेंस जो है इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो भी वर्ब्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आर है, गोज़ है, कमिंग has went, the flowers are beautiful, my brother goes to school on time, my friends are coming to my birthday party at 5 PM, Smir has 2 storybooks, we went to see a movie yesterday. Use of different forms of the verb do and have, अब यहाँ पर do और have का different जो use है वो यहाँ पर बताया गया है। the verb has, I have books, the verb have के यहाँ पर बताया गया है। I have books, he has books, अब देखें I के साथ have है, I have books,
सिंगुलर जब सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हैज़ आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। आई के साथ भी हैव ही इस्तेमाल होता है। आई हैव बुक्स, ही हैज़ बुक्स, दे हैव कंप्यूटर गेम्स। मेक अ माइंड मैप विद द हेल्प ऑफ मेन थीम और आइडिया। जो मेन थीम दिया गया है, मरकजी जो ख्याल दिया गया है, इसकी मदद से आपने यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर सेविंग एनवायरनमेंट, माहौल का जो बचाव है, सेविंग, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में जो भी आपके माइंड में पॉइंट आते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने अपने लेसन के मुताबिक करना है। ये सारी चीज़ें हमारे लेसन में लिखी गई हैं, और वहीं से हमने सेविंग एनवायरनमेंट, हम अपने माहौल को कैसे सेव कर सकते हैं, तो आपने लेसन में से ही चंद पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है, अपने लेवल के मुताबिक। सेविंग एनवायरनमेंट के बारे में ये देखें, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या करना है हमने, बिजली बचानी है, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग वाटर, सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस पोल्यूशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो ये सारे इन चीज़ों के बारे में सेंटेंस जो हैं वो आपके लेसन में दिए गए हैं। तो वहाँ से आप, अगर आपको इसके बारे में, सेविंग एनवायरनमेंट के बारे में लिखना आ जाए, तो आप वहाँ से सेंटेंस आसानी से लिख सकते हो। द वर्ब डू का इस्तेमाल है, वर्ब डू का यहाँ पर इस्तेमाल है। एक्सरसाइज, आई डू नॉट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब डू एंड हैव। डू और हैव का इस्तेमाल करते हुए हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। आई हैव अ रेड शर्ट। ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट। हमार डिड नॉट हैव न्यू बुक्स। माई मदर कैन नॉट डू एक्सरसाइज डेली। दे हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप कोई चीज़ रखते हो तो इसके लिए हैज हैव का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हमेशा हैव आएगा। अब यहाँ पर है, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग, कि अपने सर्दियों का जो स्कूल टाइमिंग है उसके बारे में चंद सेंटेंस लिखने हैं। एंड आल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। आपकी बर्थडे किस डेट को है, किस मंथ को है, वो आपने वहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर सारे मंथ्स जो हैं वो नीचे कैलेंडर में दिए गए हैं। तो विंटर स्कूल टाइमिंग के बारे में जो सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। द स्कूल्स टाइमिंग्स चेंज इन विंटर। स्कूल टाइमिंग जो है वो चेंज होती है इन विंटर सर्दियों में। इन विंटर सर्दियों में स्कूल स्टार्ट होता है। स्कूल सबके स्टार्ट होते हैं एट 8:30 AM, 8:30 बजे। एवरी पीरियड इज़ 40 मिनट्स। हर पीरियड 40 मिनट का होता है। द क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल, स्कूल का जो क्लोजिंग टाइम है वो इज़ 2 PM, 2 बजे का होता है। ठीक है, द स्कूल्स टाइमिंग्स चेंज इन विंटर। इन विंटर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM। एवरी पीरियड इज़ 40 मिनट्स। द क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल इज़ 2 PM। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।